हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी, द स्टोरी टेलर, और ये लिखी है H.H. मुनरो साकी ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे H.H. मुनरो साकी के बारे में कुछ। दोस्तों, इसका पूरा नाम हेक्टर ह्यू मुनरो था और ही वॉज बॉर्न इन 1870 इन बर्मा, मगर इसकी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई एंड ही डाइड इन 1916। उसने बहुत सारे लंदन बेस्ड पीरियोडिकल्स में और न्यूज़पेपर्स में काम किया और उसने एक रोमांटिक स्यूडोनिम साकी या सकी ये अडॉप्ट कर लिया। ये एक ऐसा पेन नेम होता है जिसके अंडर उसने स्टोरीज़ लिखी। तो साकी की स्टोरीज बहुत ही फेमस हैं। उसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स इस नेम के अंडर पब्लिश करवाए, मगर उसका जो असली में इंटरेस्ट था वो शॉर्ट स्टोरीज में था और उसने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस पब्लिश करवाई, जिसमें रेजिनल्ड इन रशिया, क्रॉनिकल्स ऑफ क्लविस, बीस्ट एंड सुपर बीस्ट, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी डेथ हो गई। एज अ स्टोरी टेलर उसकी टेक्निक मार्वलस थी। उसकी प्लॉट जो डेवलपिंग की सेंस थी और जो फैंटेसी सटायर का जो ब्लेंड वो करता था वो रिमार्केबल था, और जो सेंस और नॉन सेंस को मिक्स करता था, आपको ये पता चलेगा जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तो किस तरह से वो विट, ह्यूमर, सटायर का एकदम से बहुत ही ब्यूटिफुल वो अमेलगमेशन प्रेजेंट करता था अपनी स्टोरीज़ में। तो जनरली उसकी स्टोरीज़ में हम मॉरल नहीं ढूंढ सकते, वो मॉरलिस्टिक स्टोरीज़ नहीं लिखता था, रादर उसकी स्टोरीज़ बहुत बार मॉरल्स की धज्जियाँ उड़ाती हैं। हमारी ये स्टोरी द स्टोरी टेलर भी कुछ ऐसी ही है। इस स्टोरी में एक तरफ तो वो ऐसे लोगों की बात कर रहा है कि जो लोग बहुत ही केयरफुली हर काम करते हैं, बहुत ही मॉरलिस्टिक टोन होती है उसकी, लेकिन दूसरी तरफ ये बताता है कि ऐसे लोगों के बारे में दूसरों की राय क्या होती है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। एक बहुत ही हॉट आफ्टरनून थी और एक रेलवे कैरेज भी, यानी कि रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में, जहाँ पर और भी ज़्यादा गर्मी थी, कुछ लोग थे। उन लोगों में एक आंटी थी, एक महिला थी, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ, क्योंकि वो बच्चे उन्हें आंटी कह रहे थे, इसलिए मे भी वो बच्चे उसके भतीजे या भांजे भांजी हो सकते थे। तो वो आंटी अपने 3 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी और आंटी के सामने बिल्कुल एक बैचलर बैठा था। बैचलर से यहाँ पे मतलब है कि एक अकेला इंसान था वो बैठा हुआ था। अब आंटी के जो 3 बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा शरारती थे। गर्मी बहुत थी, आंटी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रहे थे और आंटी के कहने पे भी नहीं आ रहे थे, और जो बैचलर था वो बड़ा परेशान हो रहा था उन बच्चों से। और अगला स्टेशन तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के बाद आने वाला था। अब एक तरफ आंट बैठी हुई थी, दूसरी तरफ वो बैचलर था, और बच्चों ने ज़बरदस्ती सारा कंपार्टमेंट घेर के रखा हुआ था। उनमें से 2 लड़कियां थी और एक, उन दोनों के बीच में एक लड़का था जिसका नाम सायरल था। अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे, आंटी और बच्चे बड़े लिमिटेड सी बातें कर रहे थे, आंटी उनको बार बार रोक रही थी लेकिन बच्चे रुक नहीं रहे थे। ऑब्वियसली वो बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे, मगर आंटी के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। आंटी भी परेशान हो रही थी और बैचलर भी परेशान हो रहा था। फिर आंटी ने एक उस लड़के को कहा, यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें विंडो में से कुछ दिखाती हूँ। बच्चा अनमने मन से विंडो के पास आता है और पूछता है कि उन शीप्स को बाहर जाके, वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो वो पूछता है कि आंटी उन शीप को खेतों में से बाहर क्यों निकाला जा रहा है। तो आंटी के पास जवाब नहीं था, तो आंटी ने कहा कि हो सकता है वो किसी और फील्ड में ले जाए जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा घास हो। मगर बच्चे ने कहा कि इस फील्ड में भी तो देखो बहुत सारी घास हैं, घास ही घास तो है, फिर और फील्ड में क्यों लेके जा रहे हैं। आंटी के पास ऐसे सवालों का जवाब, बच्चों की जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तो आंटी ने फिर जवाब दिया बड़े मीकली से कि शायद दूसरे जो खेत की घास है वो अच्छी होगी। अब बच्चे की तरफ से जवाब आया क्यों अच्छी होगी। अब फिर आंटी यहाँ से उसका ध्यान हटाने के लिए कहती है वो देखो वहाँ पे काउस को देखो गाय को देखो। तो लेकिन बच्चा तो जानना चाहता था कि दूसरे फील्ड की घास बेटर क्यों है। अब दूसरी तरफ जो बैचलर बैठा ये सब कुछ देख सुन रहा था उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। देखने में वो बहुत सख्त किस्म का अनसिम्पथेटिक सा आदमी लग रहा था जो आंटी को लग रहा था। अब आंटी को समझ नहीं आ रही थी कि वो बच्चे को क्या जवाब दे कि दूसरे फील्ड की घास बेटर क्यों है। अब फिर आंटी ने कहा चलो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसको लगा कि वो स्टोरी सुनाएगी एटलीस्ट कुछ देर बच्चे शांत रहेंगे। अब बच्चे जब आंटी ने कहा कि चलो स्टोरी सुनाती हूँ तो बच्चे बड़े अनमने से मन से उठ के आंटी के पास आए। अब उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि आंटी की रेपिटेशन एज अ स्टोरी टेलर बच्चों की नज़र में बहुत ही बुरी है। तो बच्चे आके पास तो बैठ गए तो आंटी जब भी कहानी सुनाती वो कोई क्वेश्चन पुट कर देते पूछ लेते। आखिरकार आंटी ने कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानी एक अच्छी लड़की के बारे में थी जो इतनी अच्छी थी कि सभी उसको बहुत मानते थे और वो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी टाइम पे खाना खाती थी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी इसलिए बहुत से उसके दोस्त बन गए। अब आखिर में एक मैड बुल पागल सांड उस बच्ची के पीछे पड़ जाता है तो क्योंकि वो बहुत अच्छी है इसलिए सभी लोग उसके पीछे भागते हैं और उसको मैड बुल से छुड़ा लेते हैं। जैसे ही आंटी ने ये स्टोरी ख़त्म की तो सायरल ने पूछा कि क्या वो लोग अगर वो लड़की अच्छी नहीं होती तो उसे नहीं बचाते। यही वो सवाल था जो बैचलर के भी मन में आ रहा था एग्जैक्टली वही सवाल। तो आंटी के पास इसका भी जवाब नहीं था तो आंटी ने कहा शायद वो इतनी तेज़ नहीं भागते जितनी तेज़ वो अब उसे बचाने के लिए भागे हैं। दोस्तों जो स्टोरी है वो बच्चों की साइकोलॉजी को पोर्ट्रे करती है। बच्चे किस तरह से सोचते हैं किस तरह से उनकी इतनी इंक्विजिटिव नेचर होती है कि वो हर जवाब में से सवाल ढूंढ लेते हैं और इन सवालों का जवाब देने में आंटी असमर्थ थी। तो जब उसके पास जवाब नहीं था वो समझ नहीं आया कि उसको वो किस तरह से बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करे तो सामने बैठा बैचलर एकदम से बोल पड़ा कि लगता है आपकी रेपुटेशन एज ए स्टोरी टेलर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आंटी ने आगे से सख्त लहजे में जवाब दिया कि बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाना जो अच्छी भी हो और बच्चों को पसंद भी आए ये बहुत मुश्किल काम है। शायद आप एक स्टोरी सुनाना पसंद करेंगे। तो बच्चे भी उसके पीछे पड़ गए हाँ जी आप हमें स्टोरी सुनाइए आप हमें स्टोरी सुनाइए। तो बैचलर ने एक स्टोरी सुनानी शुरू की। अब वो स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान से सुनिएगा। वो स्टोरी थी कि एक बार की बात है एक छोटी लड़की थी जिसका नाम बर्था था और वो बहुत अच्छी थी। अब ये स्टोरी बाकी स्टोरियों की तरह ही शुरू हुई तो बच्चे एकदम से जो इतने एक्साइटेड हुए थे वो ठंडे होके बैठ गए। तो बच्चों ने कहा कि सब स्टोरीज ऐसे ही हॉरिबल अंदाज में क्यों शुरू होती हैं। लेकिन बैचलर कंटिन्यू करता रहा। तो वो जो लड़की थी बर्था वो बिल्कुल वैसे ही सभी की बात मानती थी हमेशा सच बोलती थी हमेशा अपने कपड़े साफ रखती थी जब भी उसको कुछ खाने को दिया जाता था वो खाती थी अपने लेसन्स लर्न करती थी और बहुत ही पोलाइट थी। अब जो बड़ी लड़की थी उसने पूछा वॉज शी प्रिटी क्या वो सुंदर थी। तो बैचलर ने देखी अब आप ये देखिए कि बैचलर किस तरीके से बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करता है। तो जैसे सवाल बच्चे की ओर से आएंगे वैसे ही जवाब बैचलर देगा। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन द स्टोरी कि जो बैचलर डिस्क्रिप्शंस ऐड करेगा दीज आर मार्वलस जस्ट वेरी गुड। तो बैचलर ने कहा कि नॉट एज प्रिटी एज एनी ऑफ यू कि वो प्रिटी तो थी मगर वो इतनी अच्छी इतनी प्रिटी नहीं थी जितनी तुम दोनों हो लेकिन वो हॉरिबली गुड थी। अब हॉरिबली गुड क्या होता है ये चीज़ बच्चों ने पहली बार सुनी थी कि जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है अच्छे वाला पॉजिटिव वाला उसके साथ में हॉरिबल वर्ड अटैच होना। तो यही शायद वो चीज़ थी यही शायद वो स्पाइसी और क्रिस्प डिटेल थी जो आंटी की टेल्स में से मिसिंग थी। तो एकदम से बच्चों में इंटरेस्ट जागा हॉरिबली गुड हाँ
कि वो इतनी अच्छी थी कि उसको उसकी अच्छाई के लिए बहुत सारे मेडल्स मिले हुए थे जो कि वो हमेशा अपनी ड्रेस पे पहनती थी, और जब भी वो चलती तो वो मेडल्स आपस में क्लिंक करते, टन टन की आवाज़ करते, उसको अपनी ओबीडियंस के लिए यानी कि जो सबकी बात मानती थी उसके लिए मेडल मिला, एक मेडल उसको पंक्चुअलिटी के लिए कि वो हर काम टाइम पे करती थी, और तीसरा मेडल उसे गुड बिहेवियर के लिए कि हमेशा वो अच्छे से हर काम करती थी, तो इसलिए उसको तीसरा उसके अच्छे बिहेवियर के लिए मेडल मिला था। और ये बहुत बड़े बड़े मेटल के मेडल्स थे, जैसे ही वो चलती वो आपस में क्लिंक करते थे, और पूरे शहर में और कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसको तीन मेडल्स मिले हों, तो हर बच्चे को पता चल गया कि वो कितनी अच्छी लड़की है उन मेडल्स की वजह से। शहर में हर बंदा उसकी गुडनेस के बारे में बात करता था, और वो गुडनेस की बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रिंस ऑफ द कंट्री तक पहुँच गई। तो क्योंकि वो इतनी अच्छी है तो प्रिंस ने एक ऑर्डर जारी किया कि उसकी अच्छाई की वजह से मैं उसे शहर के बाहर जो मेरा पार्क है, प्रिंस का वो प्राइवेट पार्क था, तो उसमें उसने कहा कि वो हफ्ते में एक बार उसको जाना अलाउ किया जाता है, जो आज तक किसी भी बच्चे को नहीं किया गया था। सो जो ये जाना था इसका बर्था के लिए बहुत ही एक बड़ी बात थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि पूरे सिटी में सिर्फ उसी लड़की को, उसी बच्चे को आज तक ये ऑनर मिला था क्योंकि वो इतनी अच्छी थी। अब वो पार्क जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और आज तक कोई बच्चा वहाँ भी नहीं जा पाया था। सो अभी वो पार्क की डिटेल्स आएंगी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो जो पार्क की ब्यूटी की उसने बात करी, तो लड़के ने पूछा कि क्या पार्क में कोई शीप थी, शायद वो खेतों वाली शीप अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी, हम जान नहीं सकते बच्चा किस टाइम पे क्या सवाल कर देगा। तो बैचलर ने कहा नहीं, वहाँ पे कोई शीप नहीं थी। अब अगला जो बहुत ही इनएविटेबल क्वेश्चन था वो आया, पार्क में शीप क्यों नहीं थी। आंटी अपने आप में खुश हो रही थी कि अब तो वो फंस गया, अब कहाँ से जवाब लाएगा, मगर बैचलर ने एकदम से आंसर दिया, क्योंकि प्रिंस की माँ को एक बार ये सपना आया था कि उसके बेटे की यानी कि प्रिंस की मौत या तो शीप के मारने से होगी या फिर उसके सिर पे क्लॉक गिरने से होगी, घड़ी गिरने से होगी, तो इसीलिए पार्क में प्रिंस ने कोई शीप नहीं रखी थी और उसके महल में कोई क्लॉक नहीं था। बच्चे इतने सेटिस्फाइड हो गए ये आंसर सुन के कि मज़ा आ गया, उनको कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों शीप नहीं थी। आंटी होती तो कोई मीक सा, कोई अजीबोगरीब सा, कुछ मॉरलिस्टिक सा आंसर आता, लेकिन बच्चों को हर टाइम मॉरल्स नहीं चाहिए होते हैं। बच्चे नहीं चाहते कि हमेशा उनसे क्या करना है या क्या नहीं करना चाहिए उसी बारे में बात हो, शायद बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है और क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए वो हमेशा नहीं सुनना चाहते। आंटी भी एडमायर कर रही थी मन ही मन कि कितना अच्छा उसने जवाब दिया। अब बच्चों ने अगला क्वेश्चन क्या पूछा, फिर शीप की मौत जो हुई वो प्रिंस की मौत जो हुई वो शीप की वजह से हुई या फिर क्लॉक की वजह से। अब बैचलर ने जवाब दिया, प्रिंस तो अभी भी जिंदा है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि उसकी माँ का ड्रीम जो था वो सच हुआ कि नहीं, लेकिन पार्क में कोई शीप नहीं थी, मगर बहुत से छोटे छोटे पिग्स थे वहाँ पे, सुअर थे वहाँ पे जो इधर से उधर घूमते रहते थे। अब बच्चों ने पूछा वो किस कलर के थे, तो बैचलर ने एक ही बार में जवाब दिया, ब्लैक विद वाइट फेसेस, वाइट विद ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक ऑल ओवर, ग्रे विद वाइट पैचेस एंड समवर वाइट ऑल ओवर। मतलब उसने सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दे दी और कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक गया ताकि बच्चे अच्छी तरह से इमेजिन कर पाएं कि एक्चुअली में वो जो पिग्स थे इस तरह के, वो इस कलर के घूमते हुए कैसे लग रहे होंगे। अब बर्था जब पार्क में आई तो उसने देखा कि पार्क में तो कोई फ्लावर ही नहीं है, उसने तो अपनी आंटी से प्रॉमिस किया था कि वो कोई फूल नहीं तोड़ेगी, अब फूल है ही नहीं तो वो प्रॉमिस कैसे निभाएगी। अब बच्चों ने सवाल पूछा कि पार्क में क्यों फ्लावर्स नहीं थे, तो जवाब आया, क्योंकि पिग्स ने सारे फ्लावर्स खा लिए थे। और जब ये पार्क बन रहा था तो जो गार्डनर्स थे, माली थे, उन्होंने प्रिंस से ये कहा भी था कि आप पिग्स और फ्लावर्स
इकट्ठे पार्क में नहीं रख सकते, आप क्या रखना चाहते हैं? तो प्रिंस ने कहा कि मुझे फ्लावर्स नहीं, पिग्स चाहिए। तो ये ऑप्शन सुन के बच्चे खुश हो गए, क्योंकि सारी दुनिया फ्लावर्स ही बोलती, उनको सबको फूल चाहिए। लेकिन बच्चे सोच रहे हैं कि कुछ और भी तो होना चाहिए, तो उन्हें ये जवाब भी बहुत अच्छा लगा। अब पार्क में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें थी, वहाँ पे पॉन्ड्स थे जिसमें ब्लू और गोल्ड ब्लू और ग्रीन फिश थी, ट्रीज थे जिसपे बोलने वाले पैरट्स थे, हमिंग बर्ड्स थे जो गाना सुनाते थे, और बर्था इधर से उधर घूम रही थी और इन्जॉय कर रही थी और अपने आप में ये सोच रही थी कि अगर वो इतनी अच्छी ना होती तो उसे पार्क में आने का मौका कभी नहीं मिलता। शी इज़ सो लकी कि उसे पार्क में आने का मौका मिला। और जैसे ही वो ये सोच रही थी तो उसने देखा सामने से एक बहुत बड़ा सा वुल्फ, वुल्फ मतलब भेड़िया, बहुत बड़ा सा वुल्फ किसी शिकार की तलाश में, उसका भी डिनर का टाइम हो रहा था, वो शिकार की तलाश में बर्था की ही तरफ आ रहा था। क्योंकि जैसे ही उसने पार्क में एंटर किया तो बर्था ने इतना स्पॉटलेसली क्लीन वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो वुल्फ को दूर से ही नज़र आ गया। अब देखिए बर्था के साफ कपड़े पहनने भी उसके लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। तो वुल्फ उसी की तरफ भागता हुआ, बड़े बड़े स्टेप्स लेता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अब बच्चों ने क्वेश्चन किया उसका कलर क्या था वुल्फ का, तो उसने कहा, बैचलर ने कहा मड कलर था उसका सारा, विद अ ब्लैक टंग, और टंग उसकी बाहर निकली हुई थी, उसकी पेल ग्रे आईज थी जो कि चमक रही थी, उसकी फिरोसिटी, उसके डरावनेपन को दिखा रही थी। अब उसने दूर से ही बर्था को देख लिया और वो बड़े बड़े स्टेप्स लेता हुआ बर्था की तरफ आ गया। बर्था किसी तरह जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी छोटी छोटी, उनमें जाके छुप जाती है। वो आके उसे इधर उधर ढूंढता है, झाड़ियाँ काफ़ी थिक थी, वो नज़र नहीं आ रही थी बर्था। जब वुल्फ ने इधर उधर ढूंढ लिया, उसे बर्था नज़र नहीं आई, जैसे ही वो वापस जाने लगा वो बर्था के इतनी नज़दीक था, जब बर्था ने ये महसूस किया कि वुल्फ उसके बिल्कुल पास है, हालांकि जो वुल्फ था वो ढूंढ नहीं पाया था बर्था को, लेकिन बर्था कांप गई, ट्रेम्बल करा। जैसे ही उसने ट्रेम्बल किया तो उसके दोनों मेडल्स आपस में क्लिंक किए, टन टन की आवाज़ हुई, और वुल्फ को पता लग गया कि बर्था यहीं पे छुपी हुई है, और एक ही बार ने वुल्फ ने बर्था को बाहर झाड़ियों से खींच के बाहर निकाल लिया और उसको सारे का सारा खा गया। अब जो बाकी बचा वो था बर्था के शूज़, कुछ कपड़ों के टुकड़े और उसकी गुडनेस के तीनों मेडल, और बर्था अपनी गुडनेस की वजह से मारी गई। अब बच्चों का जो सवाल आया वो ये था कि क्या कोई छोटा सा पिग भी मारा गया? तो बैचलर ने जवाब दिया नहीं, पिग सारे बच गए लेकिन बर्था मारी गई। तो जो छोटी वाली लड़की थी उसने कहा, द स्टोरी बिगैन बैडली, यानी कि वो बहुत बुरी तरह से शुरू हुई थी मगर वो बहुत अच्छे से ख़त्म हुई, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल एंडिंग। तो सारिल ने कहा, दिस इज़ द ओनली ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, ये सिर्फ यही एक अच्छी स्टोरी पूरी ज़िंदगी में मैंने सुनी है। आंटी की तरफ से एक अनसेटिस्फैक्ट्री सा ओपिनियन आया और उसने कहा, ये यंग चिल्ड्रन को सुनाने के लिए मोस्ट इम्प्रॉपर स्टोरी है, क्योंकि आंटी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी मॉरलिस्टिक नहीं है, इसका कोई मॉरल नहीं है, और ये वो नहीं दिखाती कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों का अच्छाई पर से ध्यान हटाएगी। शायद आंटी के मन में ये सारी बातें थी, और उसने बैचलर को ये भी कहा कि जो इतने सालों से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, केयरफुल टीचिंग कर रहे हैं, तुमने वो सारी बातों के असर को मिटा दिया अपनी एक ही स्टोरी के रास्ते। बैचलर ने कहा, क्योंकि बैचलर का तब तक स्टेशन भी आ गया था, तो उसने कहा, किसी भी कीमत कर पर एटलीस्ट मैंने उनको 10 मिनट चुप करके तो बिठाया ना, तुमसे तो ये भी ना बन पड़ा। और वो जाता जाता बोल रहा था कि कितनी अनहैप्पी वुमेन है, अब उसके बच्चे अगले 6-7 महीने तक उसे ऐसी ही इमोरल स्टोरीज सुनाने के लिए पब्लिक में परेशान करते रहेंगे। तो ये थी वो स्टोरी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी कि बैचलर ने किस तरह से
इम्प्रॉम्प्टू यानी कि एकदम से एट द स्पॉट जो डिसाइड करी डिटेल्स, और वो डिटेल्स जो बच्चों को अपील करी वही उसने सुनाई। एक चीज़ हमें और पता चलती है बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में, उसकी उनकी क्यूरियोसिटी के बारे में, कि हमेशा वो वही सुनना पसंद नहीं करते हैं जो बड़े बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमेशा अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता। हम उनको सिखाते हैं लेकिन बहुत कुछ बच्चे खुद भी सीखते हैं, वो भी प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, वो भी यही दुनिया में रहते हैं और वो महसूस करते हैं कि अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बुरी भी होती है, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। शायद यही जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो बैचलर की स्टोरी में थी, बर्था की स्टोरी में थी, इसीलिए उनको ये स्टोरी बहुत अपील करी। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।